नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने महत्वपूर्ण काशी का अपना महत्वपूर्ण काशीपुत्र कॉम ब्लॉक। आज महत्वपूर्ण पर्व रंग भरी एकादशी। रंग भरी एकादशी का महत्वपूर्ण पर्व बाबा विश्वनाथ के धाम में और आपके समक्ष प्रस्तुत है काशीपुत्र कॉम ब्लॉक। काशी की धरा से यह चैनल उद्गृत है। कैसा लगा आपको बाबा का दरबार? आनंद आया, अद्भुत रहा, आनंद आया एकदम। बाबा का जयकारा नहीं सुनाई दे रहा है? नमः पार्वती माते हरे हरे महादेव के भक्त यहाँ पर रंग भरी काशी पर। और आज हमको जैसे जानकारी है कि शमशान हरिश्चंद्र घाट की भी मसाने की होली भी हुई है कल प्रातः 11 बजे से 11 बजे और विश्व प्रसिद्ध महाशमशान महामणिकर्णिका महाशमशानेश्वर महादेव का भी मसाने का होली भी मुझे लगता है कली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ करोड़ धाम से हमारे भाई हमारे सम्मानित बाबा विश्वनाथ के भक्त आपके समक्ष है। अपना नाम बताइए भैया। कैसा वो अनुभूति थी जब आप कॉरिडोर के अंदर घुसे दर्शन करने के लिए? भैया हम लोग तो लोग बाबा में हमेशा मस्त रहते हैं। कॉरिडोर था क्या नहीं था, हम लोग को अनुभूति सुंदर सुखद थी और रहेगी। और वो आनंद मिला? आनंद तो आनंद में तो हमेशा रहता है। वाराणसी नहीं पूर्वते आप आएंगे वाराणसी में आप पैर रखते ही आपको सुखदी और आनंद की अनुभूति महसूस होती है। जहाँ कड़कड़ का ही शंकर है वही भोलेनाथ है, भोले शंकर हर हर महादेव। आइए और भक्तों से मिलते हैं, देखते हैं आपका महत्वपूर्ण चैनल काशी का कॉम ब्लॉग और मैं काशीपुत्र कॉम ब्लॉग आप सभी बाबा भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए पता करते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन की क्या महिमा रही। गजब मजा आई है भाई साहब। दर्शन किया आप लोग ने बाबा का? कैसा लगा? कैसा लगा कि हम आपको बता नहीं सकते। ऐसा लगा अंदर का बहुत विहंगम दृश्य है। आप जाइए ये जमीन नहीं दिखेगी, बस अमीर दिखे। कल हम गए थे पिछली बार, बहुत ही विहंगम दृश्य था। देखिए बहुत ही अच्छी प्रसन्न मुद्रा में बहुत ही स्वागत करता है कॉम ब्लॉग काशी का चैनल आप लोगों का। आइए देखते हैं और भी भक्त है हमारे साथ क्या दृश्य है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम जो कि बहुत ही प्राचीन धामों में से और हमारे महत्वपूर्ण भक्त यहाँ पर हैं। देखिए एक भारी जन सैलाब, एक बहुत ही भारी जन सैलाब और बाबा की एक झलक पाने के लिए आतुर महत्वपूर्ण दर्शनार्थी। बहुत ही भीषण भीड़ और कवरेज करता हमारा यह महत्वपूर्ण चैनल काशी की जनता का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और बाबा के ध्यान में नित्य नियमित हम रहते हैं। बाबा का जो सानिध्य है, बाबा का जो दर्शन है वो बहुत ही दुर्लभ है। बाबा का दर्शन करने मात्र से ही एक अद्भुत खुशी की प्राप्ति होती है। बहुत ही भारी भीड़ है आज, लगता है दर्शनार्थियों को बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी दर्शन करने के लिए। आज दर्शनार्थियों को लगता है बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी दर्शन के लिए बाबा का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का और काशी का ही महत्वपूर्ण चैनल कॉम ब्लॉग और काशीपुत्र कॉम ब्लॉग आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हर हर महादेव। आइए और भी महत्वपूर्ण भक्त हैं उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, पता करते हैं अंदर दर्शन का क्या माहौल है। भारी भीड़, भारी भीड़, सरस्वती फाटक की भीड़, गेट नंबर 4 जब से बंद हुआ है एक भारी भीड़ का सामना। बहुत कठिन नगर है बाबा तक पहुंचने की, लेकिन एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी जब आप दर्शन करेंगे। हम लोग के अंदर ही बाबा हैं, काशी के कण कण में रज रज में महादेव विराजमान है। यहीं से आप खड़े होकर अगर महादेव का नाम लेते हैं तो महादेव स्वतः ही दर्शन आपके अंतर मन में दे देते हैं। काशी की तरह से महत्वपूर्ण चैनल कॉम ब्लॉग आप सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और माता पार्वती की भी साथ में आप जयकारा लगाएंगे, बोलते हैं नमः पार्वती पते, नमः पार्वती पते, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोले बाबा कण कण में पार्वती के चक्कर में हर हर महादेव।
महादेव। भाई और भी भक्तों से हम काशीपुत्र कॉम ब्लॉग, इंस्टा पे फॉलो करेंगे उसको, इंस्टा पे है गोविंद 8782 के नाम से, फेसबुक पेज कॉम ब्लॉग, यूट्यूब पेज यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिवस है, काफी अच्छा लगता है कि बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं, इसलिए बाबा के भक्तों को देखते ही एक मित्रवत संदेश मेरे अंदर आता है और मैं उसको तुरंत कैमरे में शूट करके पूरे विश्व को हम दिखाते हैं क्या है हमारा अभी हंगम या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का दृश्य। चलिए आगे और भी भक्त हैं उनसे मिलते हैं, आप लोग का धन्यवाद, आप लोग को अबीर गुलाल और रंगों की वह श्रेणी होती है और बाबा की पालकी निकली थी, आप लोग ने देखा यहाँ पे अभी हम लोग यहीं से डमरू दल आया होगा, 5 बजे शाम को ही डमरू दल प्रवेश करता है। आइए और भी भक्त हैं हमारे पास, देखते हैं कहाँ कहाँ से हमारे विश्वनाथ बाबा के लिए दर्शन करने। हाँ भाई साहब कहाँ से आए आप? बॉम्बे से। बॉम्बे से, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, एक गर्व का अनुभव होता है काशीवासी होने के नाते बॉम्बे से भी लोग श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का दर्शन करने आए हैं। आप सभी लोगों का काशीपुत्र कॉम ब्लॉग काशी की धरा पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है और बाबा का वह स्वरूप आप देखें और आप पूरा आनंद लें वाराणसी के पर्यटन का। वाराणसी में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, जहाँ तक हमें जानकारी है हर प्रकार की सुविधाओं से लैस, और बहुत ही जल्द मैं आपको जानकारी दे दूँ। तो बहुत है भाई, अब सुविधा तो बहुत है, देखिए बाबा के जी अभी हम लोग वहाँ मोबाइल रखने गए, पर्स नहीं रखना, नहीं रखा बोला नहीं चल जाएगा अंदर। अच्छा लगाने भाई बोलते पर्स रखना पड़ेगा। हाँ रखना पड़ेगा। हाँ बाबा विश्वनाथ सदियों से ही पर्स बाहर रखवाते हैं, ये नया नहीं है, उनको बोलना चाहिए था पर्स चालू उनको वहाँ पे जाओ जी, उनको बोलना चाहिए था ना, इतना दूर लाइन लगाए थे बाहर गए। मंदिर के अंदर भी जमा करने की व्यवस्था है, वहाँ पे था पहले, आज हो सकता है एकादशी की वजह से नहीं किए हो, क्योंकि कितने लोग का रख पाएंगे, बहुत ज्यादा। चलिए आपकी बात आ रही है, आपकी बात पहुँच रही है, आप लाइव हैं, आपकी बातें पहुंच रही हैं, कितनी गर्दी है, इस पर भी कार्य किया जाएगा, लाइन लगी हुई है, पुलिस नहीं है, लाइन लगा लाइन। देखिए रंग भरी काशी का जो उत्सव रहा है, लाइन तो घुस जाएंगे लोग। हाँ ये आप सही बोल रहे हैं, ये शिकायतें बराबर हमें मिला है, हम आपके इस कंप्लेन को स्वीकार करते हैं और आगे कोशिश करेंगे, हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार की असुविधा किसी दर्शनार्थी को न हो, लेकिन बाबा का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ दर्शनम पूज्यते काशी विश्वनाथ, बाबा को पाना इतना सरल नहीं है। आइए देखते हैं और भी भक्त हमारे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्त, बहुत ही महत्वपूर्ण भक्त हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम, क्योंकि एक मन में ही आ जाता है शक्ति का संचार और ये एक उत्साह, एक उम्मीद बाबा के दर्शन की एक झलक पाने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के निकट प्रवेश करते हैं या अंदर भी जाते हैं, काफ़ी अच्छा ये संगम होता है और काफ़ी कष्ट का भी सामना करना पड़ रहा है दर्शनार्थियों, काफ़ी कष्ट का सामना श्रद्धालुओं को आज करना पड़ेगा, क्योंकि आज है बाबा का रंग भरी एकादशी का महत्वपूर्ण उत्सव। आइए देखते हैं और कहाँ से एंट्रेंस दिया जा रहा है, चलिए उस गेस्ट से आप एक महत्वपूर्ण प्रणाम भैया। हाँ हो गया दर्शन, हो गया कैमरा बाबू एक बार हर हर महादेव का नारा लगाइए। हमारे पूज्य बड़े भाई और वाराणसी न्यायालय से महत्वपूर्ण ऑफिसर्स ऑन कोर्ट धर्म कुमार पांडे जी, सही पसंद नहीं ना बाबा विश्वनाथ, देखिए मित्र भी मिलते रहते हैं और वरिष्ठ जन भी मिलते रहते हैं, एक नया गेट खोला गया दर्शनार्थियों की असुविधा को देखते हुए, एक नया गेट खोला गया। आ जाइए आप लोग इधर आइए, आइए नया नया रास्ता, आ जाइए आप लोग, दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसलिए नए रास्ते का प्राचीन जो द्वार जहाँ से दर्शन होता था उस गेट को भी ओपन किया गया है। भारी भीड़, बाबा के भक्त बहुत ही महत्वपूर्ण भक्त, दो शब्द कहिए
जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती। हर हर महादेव। बराबर महादेव का जयकारा लगना चाहिए। एक संचार, एक संदेश महादेव के भक्तों द्वारा। ये बहुत ही अच्छा, देखिए रंग भरे काशी में अबीर और गुलाल लगाकर बाबा के साथ। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा कार्य, हम सराहना करते हैं वाराणसी पुलिस के इस कार्य का। एक गेट और खोला गया दर्शनार्थियों के लिए। आपको सहृदय धन्यवाद करते हैं, बहुत ही असुविधा थी दर्शनार्थियों को, बहुत ही सराहनीय कार्य हमारी वाराणसी पुलिस द्वारा। आइए हम आगे देखते हैं और कहाँ असुविधा है हमारे भक्तों को। भक्तों के बीच में डायरेक्ट पहुँचता हमारा काशी का यह चैनल। बराबर शिकायतें मिलती हैं कि भक्तों का पर्स जमा करने की व्यवस्था नहीं है, भक्तों की मोबाइल जमा करने की व्यवस्था नहीं है। प्रसाद वाला कहता है कि 50 रुपए का प्रसाद। ये लगी ना, यहाँ से वहाँ गए थे, वहाँ से यहाँ फिर दिया अभी। नहीं नहीं, ये नया द्वार, वही तो आपको हम देखेंगे। हम तो इधर बताए कहीं लुकाइए, नहीं लगी, यहीं लगी। अरे आप आइए, आप आइए, आइए आप इधर आइए। बड़ी देर से परेशान हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। आइए आप आइए, यहाँ लगिए। किसी भक्त को असुविधा नहीं होगी। यहाँ से वहाँ भेजे, वहाँ से यहाँ भेज दिए। भाई साहब चैनल आते ही नया रास्ता खुल गया, देखें आप कवरेज होने लगेगा, मीडिया आ जाएगी, सब रास्ता खुल जाएगा। तुरंत रास्ता खुला है, हमने यहाँ से अंदर जाके बाहर होगा, अंदर जाके बाहर निकाले हम लोगों को, अंदर जाके वहाँ जाइए। पानी की भी व्यवस्था है यहाँ पर, राज गणेश से घंटा वहाँ पे खड़े खड़े, फिर वहाँ से ये लोग इधर रहेगा। आज दर्शन का यह दुर्लभ संकट रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, आज यह दर्शन का दुर्लभ संकट रहेगा। बाबा का दर्शन इतना आसान नहीं है, आप लोग धक्का दुक्की ना करें, आराम से लाइन में लगे, लाइन में लगे आप लोग, लाइन में लगे। आइए हम, आइए हम महत्वपूर्ण पुष्प विक्रेता से कुछ बातचीत करेंगे, पता करेंगे, अपने काशी बंधुओं से पूछेंगे कैसा माहौल है भैया दर्शन पूजा का। आज कैसा माहौल है दर्शन में, कठिनाई हो आज? बहुत कठिनाई है, मगर आराम है, बाबा के ध्यान रखें। बाबा के ध्यान में नित्य नियमित काशी वाली रहे लन, काशीवासी काशी की धारा। बाबा के लिए कोई ये भीड़ बहुत कम है। सही बात है, नहीं वही आतुर हुए जा रहे हैं बाहरी दर्शक, कह रहे हैं कि भाई असुविधा है। अरे असुविधाओं में ही सुविधाओं का खजाना है बाबा विश्वनाथ। शिवरात्रि से जाते हो? हाँ, शिवरात्रि। अरे पिछले रंग भरे काशी पे हम ही परेशान हो गई थी, 4 घंटा में दर्शन मिले थे, मोबाइल लेके घुसते तली कवरेज करे, कलन मोबाइल बाहर रखिए, बाहर रखना ही पड़ा है। अब भूल गए दोबारा हम लोग भी। बाबा के ध्यान में दर्शन करने के बाद भी बाबा का ध्यान में लगे हैं हमारे काशीवासी। बहुत ही अच्छा कार्य, बहुत ही सराहनीय कार्य। काफ़ी अच्छा लगता है कि जब बाबा के भक्त को एक नया द्वार मिला, एक नया रास्ता, एक उम्मीद, एक जो निराधार हो रहा था यह सफ़र कि कहीं बाबा का दर्शन छूट न जाए, एक नया रास्ता खोला गया गेट नंबर 3 तुरंत दर्शनार्थियों के लिए। अरे पहुँच है यार अंदर, बहुत लंबी लाइन नहीं है, आराम से आप लोग नए मार्ग पे दर्शन कर रहे हैं इसलिए सुविधा है। उधर बहुत लंबी लाइन लगी है, डबल लाइन है सरस्वती फाटक। अरे मोबाइल जमा करना होगा यार, दो जल्दी। अरे अंदर भी हो जाता है, ये बाबा जी का दर्शन का पूजा का चलता रहेगा, दर्शन पूजा का यह क्रम निरंतर चलता रहेगा, पूरी रात के लिए दर्शन होगा। हम तलाश में हैं पुष्प विक्रेता के, कहाँ हैं वो, कुछ वार्तालाप हम करेंगे। बहुत तोरा दुकान हो, तोरा दुकान हो? हाँ यस। बताइए कितने भक्त आए सवेरे से रंग भरी काशी पर, कितने भक्तों ने दर्शन किया आपके अंदाजे से? दर्शन किए बहुत भक्त आए हैं, बहुत भीड़ है, लगभग क्या अनुभव है, कितना समय लग जा रहा है एक आदमी को दर्शन करने? एक आदमी तो बारीक बारह जा रहा है। कितना टाइम लग जा रहा है? 15 मिनट में दर्शन मिल रहा है, आगे बढ़ा रहे हैं बस। और यहाँ से बाबा के द्वार तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है? बाबा के द्वार जाएंगे 5 मिनट लगेगा। ये रास्ता अभी थोड़ी देर पहले बंद था, पहले बंद था, 14 नंबर में रास्ता है, आगे रास्ता नहीं है जी। बस बाबा के ध्यान में, बाबा के सहारा, और एक
मार्गदर्शक की भूमिका में हमारे काशी के महत्वपूर्ण पुष्प विक्रेता काशी पुत्र कामलाग आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। पहले भी कई कवरेज में हमने इन्होंने वार्ता की है और हमारी वार्ता बराबर चलती रहती है। अंदर कम से कम 12वीं बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के इस महत्वपूर्ण कवरेज में और दूसरी या तीसरी बार भाई साहब से मुखातिब हूँ। बाबा के नित्य निमित्त ध्यान में श्री सत्यनारायण भगवान का प्राचीन मंदिर और एक महत्व तो रहा है श्री सत्यनारायण भगवान मंदिर का और साथ में लगा हुआ बाल फाटक माला मंडी, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, बाबा विश्वनाथ के ही ध्यान में नियमित भजते रहते हैं हमारे भक्त, महत्वपूर्ण भक्तों की श्रृंखलाएं, महत्वपूर्ण भक्तों का वो आतुरता है बाबा के दर्शन के लिए, देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए तेरी से लाइन की गति बढ़ गई, बहुत तेरी से दर्शन कराए जा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पूरा व्यवस्था और नियंत्रण वाराणसी पुलिस का, बहुत ही विहंगम दृश्य होता है कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम पे आप दर्शन करने आए, एक समय निकालना पड़ता है आपको। बाबा का दर्शन बहुत दुर्लभ है, समय आपको निकालना ही पड़ेगा दर्शन पूजा के लिए। महत्वपूर्ण जन सैलाब, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक भीषण जन सैलाब बाबा के भक्तों का। काशी अविचल है, अविनाशी है, शिव शंभु भोले की अपनी नगरी काशी है। काशी को किसी ने बसते हुए नहीं देखा। काशी महादेव शिव के त्रिशूल पर स्वयं ही निर्मित किए उन्होंने इस नगरी को और स्वयं ही विराजमान कण कण में हर एक क्षण में काशी के बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ का स्वागत करते हैं महत्वपूर्ण भक्तों का। बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही तेजी से कार्य किया गया, बहुत ही तेजी से कार्य किया गया, चंद सेकंडों में ही भीड़ गायब हो गई, कितनी तेजी से दर्शन मिल रहा, एक ही दो मिनट में सारी भीड़ गायब, कितनी बढ़िया व्यवस्था प्रशासन की। और आइए कुछ भक्त हमारे इधर भी हैं, गेट नंबर नया खोला गया दर्शनार्थियों के लिए, हमारे प्रिय दर्शनार्थी बाबा के साथ रंग अबीर की होली खेलते हुए निकलते हुए, देखिए महत्वपूर्ण दर्शनार्थी हैं ये। और एक समय लेकर आना पड़ता है श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम में महादेव के स्मरण के लिए, महादेव के दर्शन के लिए एक समय निकालना पड़ेगा। समय तो लगना ही लगना है, लेकिन वो जो आनंद की प्राप्ति आपको होती है दर्शन करने के बाद, उसकी अनुभूति वही कर सकता है जिसने दर्शन प्राप्त किया हो। और ख़ास करके जब एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो महाशिवरात्रि और उसके बाद रंग भरी एकादशी का, आज दिन से ही बाबा की पालकी सजाकर और पूरे पक्के महल में घुमाई जाती है बाबा की पालकी, उसके बाद यहाँ दर्शन का क्रम चलता है, निरंतर चलता रहेगा, निरंतर यह क्रम चलता रहेगा। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन भक्त यहाँ पर ख़त्म नहीं होंगे, भक्त निकलते ही रहेंगे, भक्त अंदर दर्शन करते ही रहेंगे। बहुत ही आकर्षक, एकदम से भीड़ को गायब कर दिया, बहुत ही अच्छा कार्य। भीड़ पता ही नहीं लगी, जो इतनी भारी भीड़ थी, दो तीन मिनट के अंदर एकदम भीड़ ख़त्म। ये व्यवस्थाओं को करने का जो एक तरीका है हमारे महत्वपूर्ण वाराणसी प्रशासन का, हर तरफ भक्त ही भक्त हैं, भक्तों का यह कारवा निरंतर चलता रहता है। जब से गेट नंबर 4 बंद किया गया है तब से VIP दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे, सुगम दर्शन ₹300 आप पे करके सुगम दर्शन भी कर सकते हैं और मंगला आरती का टिकट ₹500 है। 3:30 भोर में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम की मंगला आरती कराई जाती है, जिसका टिकट है ₹500। आरती में आप सम्मिलित हुए और ₹350 दाम हो गया है सुगम दर्शन का, उसके लिए आपको किसी प्रकार की लाइन नहीं लगानी। लेकिन आज जो कि उत्सव है रंग भरी एकादशी का, तो आज हर प्रकार के सुगम दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। मोबाइल मोबाइल
बहुत ही अच्छा सुरक्षा व्यवस्था, कैसे ही 2 मिनट में भीड़ को एकदम खत्म कर दिया, काफी सराहनीय कदम, बहुत ही सराहनीय कदम प्रशासन का। इतनी भारी भीड़ हम लोग देख रहे थे जो कि मात्र 2 ही मिनट में खत्म हो गई। आइए और मिलते हैं भक्तों से, देखते हैं क्या मौसम है, क्या मंजर है। और आप बराबर वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का यह महत्वपूर्ण कवरेज हम ले रहे हैं। काशी में दर्शन करने के कार्यक्रम में त्रिपुंड भी लगाया जाता है और पूरे विधि विधान पूर्वक हमारे पुरोहित त्रिपुंड लगाते हैं। बाबा का दर्शन करते ही त्रिशूल लगैया, त्रिशूल तीन डे सब परिवार पूरे किनारे भी त्रिशूल, हाँ किनारे भी इकट्ठे, महादेव दोनों किनारे भी इकट्ठे, सेंटर में किनारे भी, उस तरफ भी। हर हर महादेव श्री शंभू, काशी विश्वनाथ जी गंगा, गंगा तरंग रमणी चटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषुद्ध बामु भागम, माता गंगा माता गौरा और माता पार्वती के साथ इसी धारा पर अपने संपूर्ण। चलिए बढ़िया आप लोग, हेलो बढ़िया आप लोग, प्रताप के साथ महादेव यहाँ विराजमान करते हैं। बाबा के भक्त जो है, महाकाल की टी शर्ट, ये नया ट्रेंड आया है, ओम और महाकाल लिखे हुए टी शर्ट देखिए, एक जनमानस के मन मन में बचे रहे श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम। आइए पूछते हैं, प्रिय भक्त हैं, कहाँ से आए हैं? मैं, मेरा घर यही है बनारस में। किस मोहल्ले में है? यहाँ पर मेरा नरहरपुरा मोहल्ला है जी। काशीपुत्र कॉम ब्लॉग आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। धन्यवाद। कैसा लगता है बाबा के कॉरिडोर धाम के निकट होने पर? आप तो काशीवासी हैं, नित्य निमित्त ही दर्शन पा रहे हैं, हमेशा बाबा को महसूस करते रहते हैं जी। और जो ये आप रंग भरी काशी का उत्सव मना रहे हैं, उसमें कैसी अनुभूति हो रही है रंग खेलने के बाद, अबीर खेलने के बाद? बाबा सारे देवता, गंधर्व, यक्ष, मानव, पशु, हर सब सबकी ये होली मन जा रही है आज ही के दिन, और ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम दैवी अनुभूति हो रही है। विहंगम दृश्य है बाबा के साथ अबीर और गुलाल की होली। और मसाने की होली कब है? मसाने की होली कल है। महाशमशानेश्वर, मणिकर्णेश्वर महादेव, महाशमशान की होली, क्या समय होगा मसान की होली? 12 बजे दिन का। महात्मा भक्त आपको लाइव देख रहे हैं, वो जानेंगे कि किस समय पर आना है महाशमशान। 12 बजे दोपहर में। और हरिश्चंद्र घाट की भी होली होती है अलग से, उसका क्या समय है? उसका समय वही लगभग दोपहर का समय होता है। कल ही सारी मसान की होलियाँ हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। और चेहरे पर आपका तेज और समर्पण यह प्रस्तुत करता है कि आप निश्चित ही काशी की धरा से हैं, हालांकि आपने पहले बता दिया है, लेकिन ये तेज बताता है, एक खुशी बताती है। और आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम पे खड़े होकर इतने कॉन्फिडेंस से आप यहाँ पर वार्ता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ही बिना बताए भी लगता है कि आप काशी के ही वासी हैं। धन्यवाद। और काशीवासियों के लिए महादेव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या पड़ेगा? शिव कुमार जी। कहाँ से हैं आप? बनारस। किस मोहल्ले से? चौक से। काशीपुत्र कॉम ब्लॉग आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। और बाबा विश्वनाथ के इस महा रंग भरी काशी के अवसर पर आप सभी काशीवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। महादेव के स्मरण में बने रहें और हम आपको बराबर दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से पूरी सुविधाओं से लबालब, कितनी अच्छी से तरीके से, मैंने देखा, मैं लाइव इसका सबूत हूँ कि किस प्रकार से भीड़ को इतनी अच्छी से कंट्रोल किया। मेरा एक खुशी जाहिर हो रही है इस कार्य को देखकर, कितनी अच्छी तरीके से एक भारी भीड़ को कितनी अच्छी से कंट्रोल करके एक नया रास्ता दिया गया और भक्त इतनी खुशी से दर्शन पा गए मात्र 5 मिनट के अंदर, कि पहले भारी भीड़ का सामना कर रहे थे भक्त हमारे। मुंबई से भी एक भक्त आए थे, उनको लाइन में लगाया गया और उनको सुगम दर्शन कराया गया। जब काशी के बाहर आप जाएंगे तो कुछ यादें लेकर जाएंगे, काशी के बाहर जब कुछ यादें लेकर जाएंगे और यहाँ की सुविधाओं के बारे में बताएं, न कि असुविधाओं के बारे में, क्योंकि अब इस असुविधाओं से ही प्राप्त यह दर्शन एक सुविधा का उपस्थिति करता है। आइए हम देखते हैं, हमारे महत्वपूर्ण दर्शक हैं। काशीपुत्र कॉम ब्लॉग आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दर्शन मिला आपको? अभी नहीं, दर्शन के लिए नहीं आए, घाट पे आए हैं। घाट पे आए हैं, बहुत ही अच्छा। ये एक मन में ही दर्शन हो जाता है, जबकि आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के प्रांगण के निकट हैं,
और महादेव का स्मरण काशी के किसी भी क्षण पे किसी भी कण पे करेंगे, स्वतः ही आँख के बंद करते ही महादेव का स्मरण हो जाता है। इसलिए घाट पे जा रहे हैं। किस जिले से हैं आप? हम यही के जिले के। किस मोहल्ले से हैं? काफी अच्छा, आजमगढ़। बहुत ही अच्छा, काशी की धरा पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नित्य निमित्त ऐसा ही प्रेम और विश्वास काशी के प्रति बना रहे, यही हम आकांक्षा करते हैं। आप कहाँ से भाई साहब? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से कैसा लग रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निकट खड़े होने पे, क्या अनुभूति कर रहे हैं? अनुभूति तो बहुत अच्छी हो रही है। एक महत्वपूर्ण शक्ति के संचार का अनुभव हुआ। देखने पे लग रहा है कि हम बाबा के दरबार में खड़े, बाबा के दरबार में। क्या बात है। और ये नरेंद्र मोदी जी का जो है इनके प्रति बहुत ही अच्छा कर रहा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इतना बढ़िया कॉरिडोर को उन्होंने बनाया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा कार्य। आप सभी लोग का धन्यवाद कैमरे पर समय देने के लिए इस महत्वपूर्ण भाग की दौड़ती दुनिया से और व्यस्त दिनचर्या से आपने अपना 2 मिनट भी दे दिया, अगर बहुत है। इसी की आकांक्षा करता है काशी पुत्र कि काशी के इस महत्वपूर्ण संगम में और जो हाँ मुंबई से, कहाँ से भाई साहब आप? अच्छा, आपसे मुलाकात हो चुकी है? नहीं, अभी पहली बार हो गया। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम मुंबई से हैं जी। मुंबई में कहाँ रहते हैं? मुंबई में हम थाने में रहते हैं। दर्शन मिला बाबा का? नहीं, अभी तो वही करने आए, अभी तो जस्ट आए। तो बस बाबा का ध्यान करिए और लाइन में लग जाइए प्रसाद लेके। जय बोला जमा करिए, पर्स मोबाइल जमा करिए और बाबा के ध्यान में लगिए। पता करिए सुरक्षा कर्मियों से अंदर सामान जमा करने की व्यवस्था है या नहीं। है बिल्कुल है। और उसके बाद मुझे पता है कि सीढ़ी उतरते ही बाईं तरफ एक कमरा बनाया गया है। हाँ, वहीं पर सारे सामान जमा होते हैं। क्योंकि हमने अपने चैनल के माध्यम से भी शिकायत की थी कि प्रसाद वाले 400-500 रुपये की मांग करते हैं जूता मोबाइल जमा करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब इस तरह की कंप्लेंस जाने के बाद इसका निराकरण भी किया गया। आइए हम देखते हैं, भक्त हमारे हैं, महत्वपूर्ण भक्त दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। क्या सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। बाबा के भक्त और महादेव के स्मरण में रजे और बसे, अबीर गुलाल से पूरा बाबा के साथ खेल के आए हैं। कैसा लग रहा भैया? चलिए एंजॉय कर रहे हैं सेल्फी। महादेव मजा आ गया, पहली बार आया, मजा आ गया। महादेव कहाँ से हैं आप? मत पूछिए, करवा जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम भी यहीं के हैं, काशीपुत्र कामलाग आपका स्वागत करता है। चलिए बढ़िया है, काशीवासियों से मिलके जो एक अभूतपूर्व खुशी होती है उसको हम बयां नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण भक्त हमारे और काफ़ी अच्छा हमने कवरेज किया और इन्हीं महत्वपूर्ण कवरेज के साथ हम अब अपने सत्र का समापन करेंगे। हमने काफ़ी भक्तों से वार्तालाप किया और कई लोगों से बातचीत किया कि आखिर दर्शन करने के बाद कैसी अनुभूति हुई, दर्शन के बाद जो अनुभूति हुई और जो आनंद मिला भक्तों को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और बाबा की भक्ति में नित्य निमित्त लीन हमारे महात्मा काशीवासी। और ये देखिए प्रसाद की दुकानें, ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विहंगम दृश्य, बहुत ही विहंगम प्रांगण, बहुत ही विहंगम एक आकर्षण है बाबा के भक्तों का। बाबा के प्रति कितनी भी भारी भीड़ हो, बाबा के भक्त हमेशा दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। दूर से, सुदूर से, हर जिले से, हर राज्य से एक आशा लिए हैं। आज का यह महत्वपूर्ण ब्लॉग समर्पित है महादेव भक्तों को और नित्य निमित्त महादेव के ध्यान में रहने वाले हमारे महत्वपूर्ण काशीवासी। काशीपुत्र काम ब्लॉग आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता है। देखिए कितनी अच्छी सुविधाएं और हर प्रकार की यहाँ दुकानें लगाई जाती हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं। कारेट हो, देखिए बहुत ही अच्छा एक अनुभव हमने प्राप्त किया इस लाइव कवरेज के माध्यम से, इस लाइव वीडियो के माध्यम से। जो सुविधाओं के साथ भक्तों किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं, देखिए ये लाकर बना हुआ है। आइए यहाँ पर हम टर्न करते हैं, देखते हैं क्या सुविधा है श्री बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के भक्तों के लिए। यहाँ पर कुछ सुविधाएँ प्रस्तुत की गई हैं।
निःशुल्क लॉकर है? निःशुल्क लॉकर है? हेलो, क्या क्या जमा होता है? रखो फोन अभी। मोबाइल देखिए, लाइव वीडियो में बताने से कतरा रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो जमा होता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर आप आके जमा कर सकते हैं। एक संशय रहता है वक्ताओं को, क्या बोलें, कोई बात नहीं। ये ठीक, आपके कॉरिडोर जब आप प्रवेश करने के लिए आएंगे, कॉरिडोर प्रवेश मार्ग से बाएं तरफ भी यहाँ पर लॉकर की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर भक्त आराम से अपने मोबाइल और पर्स जमा कर सकते हैं। यह लॉकर पूरा निःशुल्क प्रशासन द्वारा बनाया गया है। ये सारी जानकारियाँ हमारे विश्व के उन महत्वपूर्ण दर्शनार्थियों के लिए है, क्योंकि किन्हीं कारणों से, सूचनाओं से अभाव में है, इन्हें पता नहीं है, तो इसके लिए हम एक वीडियो के माध्यम से उनको सूचित करते हैं किस प्रकार दर्शन का यह प्रारूप होगा, और सुविधा किसी प्रकार की न हो किसी भी दर्शनार्थी को, क्योंकि जब भी दर्शनार्थी यहाँ से दर्शन करके जाता है तो वो असुविधाओं का भी ब्यौरा देता है। आइए देखते हैं हमारे और भक्त, बहुत से भक्त हैं हमारे जो दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, और ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण माला की दुकान लगाते हैं, कई कवरेज में हमने इनका वीडियो लिया है, बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के हमारे श्रद्धालुओं की, बराबर बराबर इनके कवरेज हमने कभी कभी किए हैं। दो शब्द बोलिए जो बोल सकते हैं। काशी में आए तो भीड़ है, लेकिन प्रसाद की तरह नहीं है। प्रसाद नहीं बिक रहा है? प्रसाद बिक रहा है, लेकिन कम है। कम है, प्रसाद की अपेक्षा कम है। वैश्विक व्यापारिक गतिविधियाँ कमज़ोर हैं, क्योंकि मैं भी पेशे से एक व्यापारी हूँ, पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि व्यापार की क्या दशाएँ और दिशाएँ हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब बाबा के भक्त काशी में दर्शन प्राप्त हो जाए उनका, बिल्कुल बाबा के दर्शन से पहले जब बाबा के भक्तों का दर्शन प्राप्त हो जाए, ये भी बहुत ही अच्छी बात है, कि देख के हम लोग समझ जाते हैं कि क्या यथा स्थिति, अंदर क्या आनंद होगा। नहीं भैया, हम लोग कैसा आनंद है अंदर, एक नंबर का भैया, ऐसा तो कहीं नहीं। आनंद है, आनंद है। पिछले साल मैं गया था, एक दिव्य आनंद की प्राप्ति मुझे हुई। ये काशी बाबा का प्रताप है, ये 2 लाख 4 लाख आदमी आते हैं बाबा का दर्शन करने पाने, और एकदम विहंगम दृश्य अंदर, मन एकदम गदगद हो गया, अबीर गुलाल तो इतना उड़ रहा होगा कि किसी कोई सीमाएं नहीं है। ये बनारस है, बना हुआ रस है यहाँ का, पीलिए पीलिए, देखिए कैसे होली हो रहा है, देखिए अब जाओ जाओ, ये देखिए भाइयों भाइयों का गुलाब खेलने के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये काशी का प्यार है, ये काशी प्रेम, यहाँ पे सब गुरु हैं, सब चेला है, सब गुरु हैं, सब गुरु हैं, जो मानो जाओ यार जाओ इधर बुलाओ। देखिए महादेव की भक्ति में लीन और नित्य निमित्त महादेव के ही ध्यान में रचे और बसे हमारे महात्मा काशीवासी, कितना अच्छा ये दर्शन का सुख प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि लाइव आपको देखने को मिला। अगर किन्हीं कारणों से आप काशी की तरफ रुक नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे लाइव कवरेज के माध्यम से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के रंग भरी काशी के उत्सव का आनंद ले सकते हैं घर बैठे ही। देव के ही ध्यान में रचे बसे महत्वपूर्ण हमारे भक्त प्रयास में हैं कि कब दर्शन मिल जाए बाबा का। आइए हम चलते हैं चौक की तरफ, देखते हैं क्या सुरक्षा पूरी चाक चौबंद लगाई गई है, बहुत ही अच्छा कार्य वाराणसी प्रशासन द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम, बाबा की महत्वपूर्ण रंग भरी एकादशी, और बाबा के साथ होली खेलकर हमारे प्रिय काशीवासी, हर 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 नमः पार्वती पते, काशी पुत्र कामलाग आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। क्या दृश्य है अंदर जी, बहुत अच्छा दृश्य।
इसकी अनुभूति मैंने पिछले साल की थी, बहुत ही आनंद अवर्णनीय होता है, वर्णन कर पाना मुश्किल है। सही बात है, कोई शब्द ही नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा, आपने महत्वपूर्ण समय दिया। आइए हम आगे देखते हैं और भक्त हमारे हैं। शिव भक्तों के लिए समर्पित काशी का अपना काशी पुत्र काम ब्लॉग, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे भक्त हैं, भक्तों से मिलेंगे, उनका अनुभव साझा करेंगे। हमारे काशी के महत्वपूर्ण महाशमशानेश्वर तक पहुंचने का महत्वपूर्ण मार्ग मणिकर्णिका द्वार, आप लोग देख ले हमारी लाइव कवरेज में। कल आपको यहीं से मसाने की होली खेलने के लिए आप यहां पर आएंगे। होली खेले मसाने में जो गाना आप गाते हैं, यही है वो विश्व का सबसे बड़ा शमशान, महाशमशान महामणिकर्णेश्वर मणिकर्णिका द्वार, और यहीं से मिलता है महाशमशानेश्वर महादेव का दर्शन। कल दिन में 11-12 बजे से लगातार अविरल दर्शन महाशमशानेश्वर महादेव का होगा, और उनके साथ आप भस्म और चिता की राख, फूल और अबीर गुलाल के साथ होली खेलेंगे। काशीपुत्र कॉम ब्लॉग आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहता है लाइव कवरेज के माध्यम से, महत्वपूर्ण भक्त बाबा विश्वनाथ की तरफ जाते हुए। और ये हमारे महत्वपूर्ण फल विक्रेता हैं, कितना भीड़ आया आज, कितना भीड़ आया बाबा के दर्शन में? भीड़ बहुत काफ़ी था। अच्छा, हाँ भीड़ रहा है, भीड़ बहुत जबरदस्त रहा। अच्छा, आनंद आ गया एकदम, आनंद खूब आयल की कारण से चला बढ़िया। बाबा के ध्यान में रहा, हर 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 महादेव, महादेव की नगरी में महाकाल के समय हम लोकेशन चौक से लाइव हैं। ये लोकेशन चौक है काशी का महत्वपूर्ण लोकेशन, महत्वपूर्ण दिनचर्या है, एक कला है, एक अध्यात्म है काशी। इन्हीं महत्वपूर्ण लाइव अनुभवों के साथ अनुभव साझा करते हुए आइए हम महत्वपूर्ण काशी वासी हैं हमारे सम्माननीय, इनसे मिलते हैं। कैसन राल बाबा का आप दर्शन का भैया? बाबा का दर्शन चकाचक भल, आनंद मिला एकदम। पार्वती जी, गौरा जी और भोलेनाथ चूरोजन एकदम रथ पर सवार होकर के दिव्य दर्शन देलन। बनारस के लोग कै बजे यहाँ पालकी आयल है? पालकी 5:30 बजे तक आ गई थी। डमरू दल खूब डमरू बजे, डमरू तो इतना बजल भाई की का बताओ, तो एकदम विहंगम दृश्य हम तो देख ले, एकदम दृश्य बहुत आनंद आ जाए एकदम। देखिए बनारस की धरा से हमारे सम्मानित काशीवासी, और यहीं पर हम अपने लाइव कवरेज का एंड करेंगे। और काशीपुत्र काम ब्लॉग सम्मानित काशीवासी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। वीडियोस को आप बहुत दूर दूर तक पहुंचाएं, विश्व के हर कोने में पहुंचाएं हमारे भोलेनाथ बाबा श्री विश्वनाथ कॉरिडोर धाम की इस महिमा को बताएं, क्योंकि लाइव कवरेज के माध्यम से हमने आपको दिखाया है पूरे विश्व पटल पर पूरी मजबूती से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम, गंगा स्नान और सभी महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य और क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण और समावेशिक कवरेज करके हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय महादेव।